घर बैठे बैठे बोरिंग, कितना बैठेगा, बैठ बैठ के थक गया, घूमने जाना। आप सबका भाई, आप सबका दोस्त, आप सबका अपना मिल पाऊंगा। आप सबको फिर से मेरा एक नया ब्लॉग पर स्वागत है। आज आप लोग को मैं ले जाऊंगा कोमली घाट। फ्रेंड्स, कोमली घाट एक ऐसा जगह है, आप कहे तो वो सी बीच से कहीं कम नहीं है। शाम के वक्त दिन भर का अपना काम से थकान दूर करने के लिए अक्सर उधर हर कोई आया करता है। उधर आराम से बैठ के श्याम के किनारे में ठंडा हवा खाते हुए रिलैक्स करता है। दोस्तों, आप लोग पास आने से, जो मेरा फ्रेंड्स बाहर डिस्ट्रिक्ट का है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट का है, ईस्ट का नहीं है, अगर पासीघाट आना हुआ तो जरूर कोमलीघाट में आप लोग भी आइएगा। पगलग एरिया, इस एरिया को पगलग एरिया कहा जाता है फ्रेंड्स। अभी कोमलीघाट सामने ही है, देखिए बहुत डेवलप हो गया। अभी देखिए दुकान ही दुकान, दुकान ही दुकान, पहले ऐसा नहीं था। इस बार आके देखा है तो पूरा नया नया दुकान, सब जगह एक सबर कर एक दुकान खुल गए फ्रेंड्स। हम लोग का गांधी स्कूल में पढ़ते समय तो यहाँ में एक ही दुकान था, सिर्फ वही एक दुकान चलता था दोस्तों। पारोन दुकान था, एक बूढ़ी चलाता था। अभी तो सब जगह दुकान ही दुकान, दुकान ही दुकान। ठीक है, डेवलप हो गया, बहुत डेवलप हो गया। लो फ्रेंड्स, अभी हम आ रहा है कोमली घाट, कोई सी बीच से कम नहीं है। हाँ देखिए, ओ रहा कोमली घाट। देखिए फ्रेंड्स, क्या चाहिए आपको, पानी पूरी क्या चाहिए, सब मिलेगा यहाँ। ये एक छोटा सा पार्क, ये देखिए छोटा सा पार्क, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये है कोमली घाट। देखिए अभी कोमली घाट, ये रहा आपका कोमली घाट। देखिए फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको कोमली घाट। अभी इधर शाम के समय में आने से आपको बैठने का जगह ही नहीं मिलेगा, पूरा आदमी से भरा रहता है इधर, क्योंकि सियांग से तंदा तंदा हवा मारता है ना। दिन भर का काम का, दिन भर आप काम करके थक जाता है, रिलैक्स करने के लिए इधर अक्सर आया करता है। शाम का वक्त आप देखिए, पूरा भरा रहेगा ये आदमी से। देखिए फ्रेंड्स, भाई यहाँ रखता है, देखिए फ्रेंड्स ये है कोमली घाट। वाह, नदी में देखिए, देख रहे हो ना, देखिए फ्रेंड्स, पासीघाट आने से जरूर कोमली घाट में भी आइएगा। शाम का वक्त इधर आना है। 20 ईयर्स पहले, 20 साल पहले फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग वो महबो जाने के लिए
बहुत से जाता था, यहाँ बहुत सर्विस होता था, तेजी सर्विस। ये जो देख रहे हैं ना, इधर से आएगा बाघ तो उधर होगा बोट, तो वो बोट हम लोग को उस पार ले जाएगा, उधर से हम लोग मेवो और उधर में और भी बहुत सारा गांव है। उस पार का गांव में जाने के लिए हम बोट का यूज़ किया करता था। यहाँ पे 5-6 बोट्स होता था उस समय। अभी तो जब से रानाघाट ब्रिज बन गया, नामो निशान नहीं है बोट का। अभी तो शायद वो सब बोट असम में भी, अभी ज़्यादातर जगह में जो ब्रिज बन चुका है, बोट का ज़्यादा काम नहीं है। उस समय यहाँ बोट से आना जाना होता था फ्रेंड्स, इसलिए इसका नाम हो गया कुमलीघाट। बस आएगा यहाँ से, हम लोग जाएगा उस पार जाने के लिए। यहाँ में पेरी सर्विस हुआ करता था, पेरी बस को उस पार पहुँचा देगा। तो वो देखिए, अभी तो सो रास्ता भी बंद हो गया होगा उस तरफ का, पूरा जंगल हो गया होगा। थोड़ा हम लोग चौथा था उस समय में। वो दिन भी क्या दिन था रे। उस समय में तो आप बांस का हुट पे भी आराम से हुट पे भी बेच सकेगा। अगर आपको अंदर में तरह गर्म लग रहा है बोलने से, बांस उठ जाओ, बांस का हुट ज़्यादातर तो हुट में बेचता था सब लोग। उधर में मेवो है, मेवो सिलुक पोक नाम सिंह और भी बहुत सारा बस्ती है। वो सब बस्ती का जब बाजार करने आएगा, बांस से आएगा सब। कैसा लग रहा है दोस्तों, बढ़िया लग रहा है ना? वाह देखिए, इधर फिशिंग हो रहा है लाइन बाय लाइन। शाम का सब्जी बुरा बुरी लुक के लिए, दारू चटनी आराम से लोग पकड़ ले। देखिए इतना सुंदर है ना ये कुमलीघाट। देखिए फ्रेंड्स, ये सब आसपास का गांव का बुढ़ी लोग है। देखिए ये सब मरता ये लोग मछली। देखिए कोई सी बीच से कम नहीं है कुमलीघाट। आपको तो शाम को देखने का जगह ही नहीं मिलेगा। देखिए देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, अभी शाम होने वाला है, कुछ घंटों का बाद शाम हो जाएगा, तब देखिएगा आपको जगह ही नहीं मिलेगा देखने का, पूरा भर जाएगा सब। ये देखिए, ये ट्रेडिशनल वे ऑफ फिशिंग। देखिए शाम तक तो आराम से सब्जी, मछली का सब्जी खा हो जाके आराम से। ये फ्रेंड्स SDRF टीम। अगर पानी में कुछ घटना हो गया बोलने से, ये टीम आप लोग रेस्क्यू करेगा। अब भी ये डिपार्टमेंट में घुस गया क्या? अगर प्लाट आके कुछ तकलीफ हो गया बोलने से, कोई पानी के अंदर फंस गया बोलने से, ये SDRF टीम आप लोग को रेस्क्यू करेगा। चाहे जितना भी पानी भयानक हो, ये टीम अंदर जाएगा, कोस के निकलेगा बाहर। ये देखिए अब ये अपना बोट को हवा निकल रहे हैं, काम हो चुका है अभी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको पासीघाट का कुमलीघाट कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट
सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं आप सबके लिए इसी तरह अच्छा अच्छा ब्लॉग्स बनाता रहूँ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।